से आगे चल रहे और एक बार फिर से एसपी के धर्मेंद्र यादव को पछाड़ा है। बड़ी जानकारी, पांचवे राउंड में बीजेपी के निरहुआ आगे चलते हुए, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आजमगढ़ से। तो आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। तो आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ ने पकड़ी रफ्तार। दिनेश लाल निरहुआ 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को पीछे छोड़ा है। आपको बताएं कि पिछले राउंड यानी 4 राउंड तक धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे थे और उसके बाद अब 5वें राउंड में बढ़त बनाते हुए बीजेपी आगे चल रही है। आजमगढ़ में बीजेपी आगे चल रही है, वही रामपुर में अगर बात की जाए तो बीजेपी वहां से पीछे और जबकि समाजवादी पार्टी वहां से आगे, और यहां से आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी पीछे है। 5वें राउंड में बीजेपी के नरहुआ आगे निकले हैं। 5000 वोटों से जो है आगे निकलते हुए रफ्तार पकड़ते हुए निरहुआ दिनेश लाल यादव 5वें राउंड में बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो आगे निकलते हुए, और इसी के साथ धर्मेंद्र यादव पिछड़ते हुए। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर लगातार जो है मतगणना यहां पर जारी है। हर एक अपडेट न्यूज स्टेट पर आपको हम दिखा रहे हैं। रैली के जरिए भी आप पूरे समीकरण को समझ सकते हैं कि किस तरह से चुनावी नतीजे जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वैसे वैसे जो टैली है वो भी बदलती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए आजमगढ़ की बात करें तो बीजेपी आगे यहां से चल रही है, रामपुर की बात करें तो बीजेपी यहां पर पीछे, समाजवादी पार्टी आगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिनहुआ से पछड़ने के बाद धर्मेंद्र यादव बोले कि फाइनल टर्न अभी बाकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, से पछड़ने के बाद धर्मेंद्र यादव का बड़ा बयान, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। सारी लीड कवर होगी और जो फाइनल टैली बनेगी, अभी मैं कह के जा रहा हूँ, फाइनल टैली बनेगी तो आप चेक करिएगा, 5 की 5ों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी लीड करेगी। यही आजमगढ़ लोकसभा की हमेशा परंपरा यही है। आदरणीय नेताजी के चुनाव में भी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, हर विधानसभा कतई नहीं बदलेगी, ये ही परंपरा जारी रहेगी। और जब चुनाव का फाइनल टैली बनेगी 5ों विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी लीड करेगी। निरहुआ से पिछड़ने के बाद धर्मेंद्र यादव का यह बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि फाइनल टैली जब बनेगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, 5ों विधानसभा के वोटों की गिनती में एसपी जो है वो जीतेगी। धर्मेंद्र यादव एक तरफ पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आए और दूसरी तरफ निरहुआ इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं आजमगढ़ से। अनिल यादव तमाम अपडेट ग्राउंड जीरो से लगातार एक एक अपडेट दे रहे हैं। अनिल यादव का रुख करते हैं। अनिल, निरहुआ से पिछड़ने के बाद धर्मेंद्र यादव जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फाइनल टैली जब बनेगी तो समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन यहां तो अभी कुछ और ही देखने को मिल रहा, बीजेपी आगे चले, निरहुआ आगे। बिल्कुल, देखिए पहले राउंड में निरहुआ ने 500 वोट से लीड ली थी, लेकिन उसके बाद वो काफी देर तक ट्रेल करते रहे, बहुत पीछे रहे, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने बाउंस बैक किया है और अपनी बढ़त को 5000 से ऊपर ले जा चुके हैं और दोनों प्रत्याशी 1,00,000 से ज्यादा वोट पा चुके हैं और फासला जो दोनों के बीच है वो अब 5000 वोट का हो चुका है। निरहुआ ने जहां एक समय 10000 वोट से पीछे चल रहे थे, उस बढ़त को एक न सिर्फ उन्होंने पूरा किया, उस बढ़त को खत्म किया धर्मेंद्र यादव की, बल्कि खुद लीड ले ली है। तो अब थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है समाजवादी पार्टी के लिए और धर्मेंद्र यादव के लिए, क्योंकि निरहुआ की बढ़त जो है लगातार बढ़ती जा रही है और अब राउंड भी बहुत तेजी से क्लियर हो रहे, बहुत तेजी से गिनती आगे बढ़ रही है। इसी तरह से अगर दिनेश लाल यादव अपनी मजबूती और बढ़त को बरकरार रखते हैं तो निश्चित ही फिर धर्मेंद्र यादव के लिए इस बढ़त को कम करना आसान नहीं होगा। माना जा रहा था, देखिए आजमगढ़ में जब भी ईवीएम खुलती है तो पहले राउंड से ही समाजवादी पार्टी आगे निकलती चली जाती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। शुरू में पहले दूसरे तीसरे राउंड में चौथे राउंड में दिनेश लाल यादव पीछे जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से अपनी बढ़त कायम कर ली है और ये बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है और अपनी इस बढ़त को बरकरार करते हुए दिनेश लाल यादव आगे निकलते जा रहे हैं। तो निश्चित ही समाजवादी खेमे के लिए बहुत मुश्किल और ये चिंता का सबब है कि आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव कह रहे थे कि ऐसा गढ़ है कि यहां उनको जीत मिलनी ही मिलनी है, इतने कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उसके बावजूद अपने गढ़ में ही अब समाजवादी पार्टी दिनेश लाल यादव से पिछड़ती हुई दिख रही है। और बिल्कुल ये मार्जिन जो है काफी बड़ा कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 5000 वोटों से जो है वो पीछे चल रहे हैं धर्मेंद्र यादव। गुड्डू जमाली की बात करें क्योंकि उन पर भी सबकी निगाहें हैं, वो कौन से पायदान पर? देखिए उम्मीद के मुताबिक वो तीसरे स्थान पर चल रहे हैं और 90